आप पर बोल रहे हैं, एक और एमएलसी कुछ नाम ले रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को घेरे हुए हैं, कमजोर करने की कोशिश की गई है, बात सामने आ गई है। अब आप बताइए कि ऐसी बात थी या नहीं थी? अरे भाई, हम तो बता रहे हैं कि पार्टी ही कमजोर हो रही है। पार्टी ही जब कमजोर होगी तो स्वाभाविक उपेंद्र कुशवाहा भी कमजोर होगा, नीतीश कुमार जी भी कमजोर होंगे, सब कमजोर होगा। तो जब पार्टी कमजोर रही, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर ना हो, मजबूत कैसे हो, इसके लिए कोशिश करनी है ना। पार्टी के बाकी लोग कह रहे हैं पार्टी मजबूत हो रही है और आप कह रहे हैं कमजोर हो रही है, अकेला क्यों? नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि 75 लाख सदस्य बन गए हैं, क्या दिखने लगा है? अरे नीतीश जी ने कहा कि 75 लाख सदस्य बन गया है, तो आप लोगों ने देखा है ना भाई, 2020 विधानसभा चुनाव के पहले हम नहीं थे पार्टी में उस वक्त, लेकिन उस वक्त जो दावा किया जा रहा था कि बिहार भर में 1.5 लाख लोग बूथ कमेटी के सदस्य बने हैं, गांधी मैदान में बुलाया गया, कहा गया, आंकड़ा दिया गया 1.5 लाख, और 5,000 लोग भी नहीं आए मुख्यमंत्री जी जबकि उपस्थित थे। तो इसी तरह से सदस्यता चलती है ना, सदस्यता का यही मतलब है। सर, एक सवाल सर, दूसरे के पास जा रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने तेजस्वी के बारे में कहा, आपने भी कहा ना भाई, देखिए जा रही है, जनता चाहती है तब कहीं सत्ता जाती है, लेकिन हम डील की बात कर रहे हैं। जनता नहीं चाहती है कि इस तरह की डील कोई अंदर में हो, लेकिन कन्फ्यूजन है, तो हम लोग भी जानना चाहते हैं क्या है। हमको जानकारी रहती तो बार बार हम क्यों पूछते हैं? अरे भैया, तो व्यक्तिगत मान सम्मान का क्या करने के मुख्यमंत्री जी पर आप सवाल नहीं उठाते हैं, आप उनके सम्मान का ख्याल रखते हैं, वो इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनसे आपको दिक्कत है, बार बार आप उनका नाम लेते हैं, वो लोग कौन? भैया, हम जो कहते हैं उनके अगल बगल वाले लोग जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में सफल भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आज की तारीख में अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं ले रहे, और यह बात सिर्फ हम नहीं कहते, आप चले जाइए कहीं भी राज्य कार्यालय के आसपास, कैमरा ऑफ कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए, और तब जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछिए, तो सही सही लोग बता देंगे कि मामला क्या है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं, सब लोग बता दें। रामेश्वर महतो ने कुछ नाम दिया, रामेश्वर, जब आज जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई जा रही है, आपकी तस्वीरें कहीं नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो साफ कह रहे हैं, आप तो समझ ही रहे हैं किस तरीके का हाल हो रहा है अभी, कहा गया क्या पार्टी में ही नहीं है? अरे भैया, जो स्थिति है पूरे बिहार में, पार्टी ही जब सीन से खत्म होते जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा है नहीं कहा महत्वपूर्ण। नहीं, आपकी मुख्यमंत्री में सब कुछ तो ठीक ही था, अचानक खटपट क्यों शुरू हो गई, क्या बात है? खटपट का कहाँ कोई मामला है, तो बिल्कुल नहीं है खटपट का मामला। हम कह रहे हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए काम हो, इसमें खटपट का कहाँ कोई मामला। आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, इतना किस चीज का कर रहे हैं? कोई खटास जैसा नहीं है, कोई नाराजगी जैसी बात नहीं है, हम पार्टी को पटरी पर लाने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए हम अपनी बात कह रहे हैं, और उसके लिए हम कह रहे हैं कि अगर पार्टी मीटिंग बुलाए तो उस मीटिंग में भी हम आकर अपनी बात कह सकते हैं। अरे भैया, आप सवाल हम जवाब दे रहे हैं, कौन बकबक कर रहे हैं, अब क्या है? हम यह कह रहे हैं कि पार्टी कोई मंच उपलब्ध करावे, मीटिंग तो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उसमें हम अपनी बात कहेंगे, या मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे तो हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उसमें कहा हमको कोई इतराज है। बागी तेवर दिखाकर आप चाह रहे हैं कि पार्टी को पटरी पर ले आए, अकेला चल रहे हैं, अलग बागी तेवर की आपकी अपनी परिभाषा होगी, अभी भी कुछ आपकी परिभाषा के हिसाब से सब लोग उस परिभाषा को मान लिया, कोई जरूरी नहीं है। कार्यक्रम भी तो अलग कर रहे हैं, कुशवाहा जी अब बिहार घूमे, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी के संपर्क में। अरे भैया, कार्यक्रम महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम हुआ, पार्टी के बैनर से हुआ क्या? आप बोलिए ना, आप ही से पूछ। उस पार्टी को जो है उस कार्यक्रम को इजाजत थी, आपके कार्यक्रम को इजाजत नहीं दे, उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा करेगा, महात्मा फूले साहब की जयंती को मनाने की कोई इजाजत न दे उसके बाद भी करेगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने की इजाजत कोई न दे फिर भी करेगा। सवाल है, आप समता पार्टी के दौर से जेडीयू से जुड़े हुए हैं, 2005 में पूर्ण बहुमत सरकार बनी, उसने आपकी बड़ी अहम भूमिका, उसके बाद आप बाहर हुए,
क्या दिल से ये इच्छा है कि जेडीयू फिर से उसकी जो जनाधार था उसमें वापस आए और उसमें आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे? हम चाहते हैं जेडीयू का जनाधार जो उस वक्त था मजबूती से जो ढीला पड़ रहा है मजबूती से फिर से इकट्ठा हो और बाकी लोग भी जो बीच बीच में आए सब लोगों ने ताकत दी सब लोग मिलकर आधार के साथ मजबूती से खड़ा सर। मैं तो कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, क्या आपका इशारा भी उन्हीं लोगों की तरफ है? क्या वही नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रामेश्वर महतो जी ने जिनका नाम लिया है मेरी समझ से वो लोग बिल्कुल दोषी नहीं है, वो लोग उपयोग किए जा रहे हैं, मोहरा बनाए जा रहे हैं, उसके पर्दा के पीछे कोई और है जो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा से डायरेक्ट हम नहीं कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं, उससे मामला बिगड़ जाएगा, तो वैसे लोग हमारे ही लोगों को आगे कर दे रहे हैं, बस यही है। बाकी जो लोग आगे हैं जिनका नाम रामेश्वर महतो जी ले रहे हैं ये लोग तो बेचारे जदयू का जो सर जो जदयू का जो जनाधार से कमजोर हो रहा है सर उसका सर मेन कारण क्या है सर? अब मेन कारण क्या है वो तो पार्टी में बैठक उसको हम बताएंगे वहाँ। एमएलसी का पद आपके लिए लॉलीपॉप है, दूसरी तरफ उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि आपको उपेंद्र सिंह से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार ने बनाया, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, फिर आप इस तरह की बयान कैसे दे सकते हैं? ये बात मुख्यमंत्री जी से पूछी है वही बताएं। नहीं आप बीजेपी के संपर्क में है बार बार ये लोग कह रहे हैं तो आप इस पर जवाब क्यों देते हैं? कयास लगाए जा रहे हैं, बात हो रही है। अरे तो हम बोलते हैं कि फालतू बात है जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मामला को डेविएट करने के लिए ऐसी बात की जा रही है। कुशवाहा जी जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं शायद नहीं चाहते कि पार्टी हमारी मजबूत हो, इसलिए हम जो कह रहे हैं उसे डेविएट करके कोई और तरफ ले जा रहे हैं। सर माननीय मुख्यमंत्री है सर, खासम खास आदमी है सर, तो ये बताइए सर मतलब फिर ऐसा क्यों हो रहा है सर, बीच में खटास क्यों आ रहा है? बहुत धन्यवाद।